तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहले कर मैं आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, मोदी सरकार को बड़ा झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों की रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा को लेकर मदरसे में आग लगाने से नाराज हुए सुद्दीन ओवैसी, बोले कौन करेगा मदरसे की भरपाई, बताए नीतीश कुमार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी बचाने के लिए आजम खान ने लोगों से की भावुक अपील, बोले अपने बच्चों का एडमिशन यूनिवर्सिटी में कराएं नहीं तो बीजेपी कर देगी इसको बंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में हिंसा फैलाने वालों की संपत्ति होगी जब्त, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि वागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुंबई में शिकायत, विवादित बयान को लेकर FIR दर्ज करने की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आरिफ के सारस के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, बोले अगर आरिफ के सारस को कुछ भी हुआ तो योगी आदित्यनाथ होंगे इसके जिम्मेदार, क्योंकि सारस नहीं खा रहा है दाना पानी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगने वाला है बड़ा झटका। रूस से कच्चा तेल खरीदने पर अमेरिका भारत पर लगाएगा प्रतिबंध, मोदी सरकार को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रूस से व्यापार करने को लेकर अब अमेरिका मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए भारत पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद रूस से भारी भरकम व्यापार कर रहे भारत को अमेरिका और यूरोप यूनियन तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय और यूरोप यूनियन रूसी हीरो पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। भारत डायमंड पॉलिसी का एक बड़ा और प्रमुख बाजार है। दुनिया के लगभग 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग भारत में ही होती है। अमेरिका और पश्चिमी देश पहले ही रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद भी भारत रूस से भारी मात्रा में रियायती कीमतों पर तेल खरीद रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका रूस के बीच की लड़ाई में भारत फंस गया है और अब अमेरिका भारत पर कभी भी प्रतिबंध लगा सकता है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार हिंसा में मदरसा जलाए जाने पर भड़के असुद्दीन ओवैसी, बोले मदरसे की भरपाई कौन करेगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि रामनवमी और रमजान के महीने बिहार में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में AIMM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि क्या तेजस्वी और उनके चाचा इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि ओवैसी ने तेजस्वी यादव के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि मसला सिर्फ सद्भावना का नहीं है, सरकार आपकी जिम्मेदारी है, सबके जान और माल की हिफाजत हो। तारीखी मदरसा अजीजिया को जला दिया गया, कुरान शरीफ के जले हुए पन्ने हमने देखे, क्या आप यहाँ चाचा वहाँ जाएंगे, क्या मरम्मत की जिम्मेदारी सरकार लेगी या दूसरों को वोट खोने का डर है। इससे पहले उन्होंने कहा है कि जो मदरसा अजीजिया जलाया गया है इसमें 4500 कुरानें जल गई हैं, इसकी भरपाई बिहार की सरकार करेगी या फिर तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार। तो ये असुद्दीन ओवैसी ने मांग की, अब देखते हैं कि सरकार क्या कार्रवाई मदरसे को लेकर करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी बचाने के लिए आजम खान ने की लोगों से भावुक अपील, बीजेपी पर सादा निशाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए लोगों से एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में आजम खान लोगों से भावुक अपील करते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वीडियो में आजम खान कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी के वातावरण और शिक्षा पर जोर देते हुए लोगों से जौहर यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने को आजम खान ने कहा है। उन्होंने वीडियो में जौहर यूनिवर्सिटी की तालीम और तरबियत की दुहाई दी है। वीडियो में लोगों से अपील करते हुए आजम खान ने कहा है कि इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए जरूरी है कि इसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करें, तभी इसके अस्तित्व को बचाया जा सकेगा। उन्होंने इस दौरान सरकार पर भी निशाना साधा और सत्ता परिवर्तन के बाद जौहर यूनिवर्सिटी की हालात को लेकर कई गंभीर बातों का जिक्र किया। आजम खान ने कहा कि मेरी सारी जिंदगी एक आईने की तरह आपके सामने है, इससे आप मेरे आने वाले कल का अंदाजा लगा सकते हैं। मुझ पर, मेरे अपनों पर बीते 4-5 सालों में जो हुआ है वह किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने जो जौहर यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी बनाई है, इस यूनिवर्सिटी को योगी सरकार तोड़वाना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। इसलिए इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सभी लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में हिंसा फैलाने वालों की संपत्ति होगी कुर्क, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हिंसा करने वाले अपराधियों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती करने का ऐलान कर दिया है। सीएम ममता ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो भी हिंसा फैलाएगा उन अपराधियों की संपत्ति को कानून के अनुसार कुर्क और नीलाम किया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आगे ममता बनर्जी ने कहा है कि संपत्ति जब्त करने के बाद जो नीलामी से पैसा आएगा उस पैसे से पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी का ये बयान हुगली में सोमवार को फिर से हिंसा छिड़ जाने के बाद आया है। हुगली के रिसरा इलाके में रामनबी रैली के बाद आगजनी और हिंसा में फिर से खबरें आई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी ने ये बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टिकटॉक पर लगाया बैन। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी आखिरकार सरकारी उपकरणों में चीनी के वीडियो ऐप टिकटॉक के इस्तेमाल पर आज बैन लगा दिया है। इसके साथ ही वह अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के तथाकथित फाइव आइज खुफिया गठबंधन का आखिरी देश बन गया है जिन्होंने सरकारी उपकरणों में टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। अटर्नी जनरल मार्क डेफरून ने मंगलवार को एक बयान जारी कहा और कहा कि खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर इस पर प्रतिबंध लागू किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया था। भारत ने यह आरोप लगाया था कि इस चीनी टिकटॉक ऐप से भारत की जासूसी चीन कर रहा है और डाटा जो भारत के लोगों का है वो चीन जा रहा है। इसके बाद भारत सरकार ने टिकटॉक पर बैन लगाया था, लेकिन अब अन्य कई देशों ने भी बैन लगाया और अब ऑस्ट्रेलिया का भी नाम इस बैन में शामिल हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने बीजेपी से फिर मांगा जवाब। बोले, अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है, बताए बीजेपी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से अडानी मामले को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि अडानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि बीजेपी कह रही है कि आप न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं, तो इस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हर बार आप वही बात क्यों कर रहे हैं जो बीजेपी कह रही है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि अडानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है, उनको इसका जवाब देना चाहिए, ये किसका पैसा है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने जमानत तो दे दी, साथ ही जो है राहुल गांधी की जो 2 साल की सियाती उसको सुनाया था और जो राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता थी वो भी रद्द हो गई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुंबई में शिकायत विवाद बयान को लेकर FIR दर्ज करने की मांग। यह दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुंबई में शिकायत की गई है। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने सिरडी के साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। पुलिस के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दी गई शिकायत में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में FIR दर्ज करने की मांग की गई है। उनके खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में शिकायत की गई है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी युवा सेना के नेता और आदित्य ठाकरे के करीबी और सिरडी के साई संस्थान के पूर्व ट्रस्टी राहुल कनाल ने शिकायत की है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके बयान को लेकर सिरडी में साईं भक्तों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान साईं भक्तों ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो RF के सारस को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, सारस की मौत हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे जिम्मेदार। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गौरा विकासखंड के चरू गांव में संचालित एक महाविद्यालय में काशीराम की मूर्ति का लोकार्पण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जो है आरिफ के सारस को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरिफ के दोस्त सारस को लेकर जब बीजेपी सरकार ने नोटिस जारी किया था और उस सारस को आरिफ से लेकर वन विभाग ले गया और उसे बिहार छोड़ा गया। बिहार से ये सारस भागकर कहीं दूसरी जगह पहुंचा, वहां से इस सारस को फिर उत्तर प्रदेश के कानपुर के चिड़ियाघर में रखा गया है और सारस खाना नहीं खा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सारस की मौत हुई क्योंकि सारस खाना नहीं खा रहा है तो इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आरिफ से मिलने के बाद सारस के समर्थन में एक बार फिर से अखिलेश यादव उतर आए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल और बिहार हिंसा पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर किया वार। कहा, जब कमजोर पड़ती है तब भाजपा भड़कवाती है दंगे। जब दोस्तों आपको बता दें
कि राम नवमी पर हुई हिंसा और दंगों को लेकर राजनीतिक सियासत काफी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर इस मामले को लेकर हमला कर रही है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब बीजेपी को पता चलता है कि वह उस राज्य में कमजोर रही है तो वह उस जगह पर दंगे भड़काती है और लोग का ध्रुवीकरण करती है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का ये कारनामा है। इससे पहले भी बिहार हिंसा को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा था कि जो कुछ भी इन दोनों बिहार में हो रहा है वो 1989 में हुए दंगों की याद दिला रहा है। उस दंगे में ना जाने कितने लोगों की जान चली गई थी, कितने बेगुनाह मारे गए थे जिन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, और बीजेपी एक बार फिर बिहार में वैसे ही दंगे कराने का मंसूबा बना रही है। उन्होंने भी इसे 2024 और 2025 में होने वाले चुनाव से जोड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।